नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट सलीम अंसारी रीवा शहर में पहली बार 29 दिसंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आएंगे। इस बारे में स्थानीय गुलफॉर्म कॉम्प्लेक्स में ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता करके दी जानकारी। सुनिए उनका क्या कहना था जब हमारी टीम ने उनसे बात की। रीवा शहर में पहली बार इंटरनेशनल हेयर मेकअप आर्टिस्ट सलीम अंसारी 29 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आ रहे हैं। अपने आप में रीवा शहर में पहली बार बालों को लेकर, उनकी नई हेयर स्टाइल को लेकर एक इंटरनेशनल फेम का मेकअप आर्टिस्ट रीवा शहर में पहली बार मौजूद होगा। यह कारनामा करने की कोशिश की है रीवा ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने। हमने रीवा के स्थानीय गुलफॉर्म कॉम्प्लेक्स में इस टीम से बात करने की कोशिश की। उनके उत्साह को देखकर ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से उन्होंने एक नई चीज रीवा में करने की ठानी है, जिसको सीखने के बाद रीवा शहर की ब्यूटीशियन किसी भी शहर की ब्यूटीशियन से मुकाबला कर सकती हैं। हालांकि स्थानीय ब्यूटीशियन का मानना है, मेकअप में तो हम एक्सपर्ट हैं, मेकअप में हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं, बस हमारी कमी बालों को लेकर थी, अलग अलग बालों की हेयर स्टाइल को लेकर थी, वो भी 29 तारीख को पूरी हो जाएगी। हमने पूरी टीम से बात करने की कोशिश की जो टीम वहां पर मौजूद थी। आइए आपको सुनाते हैं बातचीत के दौरान उस टीम ने हमसे क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। वर्तमान में आप अपने स्क्रीन पर एक छोटी सी टीम देख रहे होंगे, महिलाओं की यह टीम है। 29 दिसंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इन छोटी सी टीम ने बड़ा काम करने का निश्चय किया। आज बात उसी को लेकर, क्या है आयोजन, आपकी कंपनी क्या करने जा रही है? मैं अर्शद खान, मैं प्रोफेशनल मॉडल ग्रूमर हूँ। हमारी जो इवेंट कंपनी है उसका नाम ट्रेजर इवेंट्स है, और हमारी कंपनी जो है वो फैशन शोज के साथ साथ जितने भी ब्राइडल आपके सेमिनार्स होते हैं वो हम करते हैं। हमने हाल ही में जिया शोशा का जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज किया था, हमने सतना में किया था सनी सर के साथ मिलके, लेकिन इस बार हम नई टीम के साथ इसको और अच्छे लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ज्यादा तादाद बेहतर कार्यक्रम करने की पूरी पहले से स्क्रिप्ट तैयारी है, किस तरीके से दिमाग में खाका है। जी, जैसा कि कृष्णराज ऑडिटोरियम में सलीम अंसारी सर आ रहे हैं, उनका जो भी प्रोग्राम होगा सारा कुछ मैनेज करने का, कहाँ कैसे किस टाइम पे कौन सा काम होगा, जैसे उनका हेयर का काम है, स्किन के ऊपर जो भी काम किया जा रहा है उसको कैसे लोगों तक हम पहुंचाएंगे, लोग कैसे बैठेंगे, कैसे देखेंगे, सारा कुछ अरेंजमेंट हमारी कंपनी के द्वारा मिलकर के सारा कुछ हमारी कंपनी तय करने जा रही है। बात सलीम अंसारी की हो रही है, ये सलीम अंसारी ही क्यों? सलीम अंसारी काफ़ी रेनाउंड हेयर स्टाइलिस्ट हैं, और उनको हमने इसलिए रीवा में बुलाया क्योंकि कहीं ना कहीं अभी रीवा में स्टाइलिंग कम है। मेकअप तो कर रहे हैं लोग, बट स्टाइलिंग के नाम पे अभी स्टाइलिंग नहीं आती है, तो उनको ही बुलाने का मतलब ये है कि उनके बेस काफ़ी अच्छे हैं, उनके स्टाइल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो आप उस दिन 29 को रीवा में देखेंगे। 29 तारीख को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सलीम अंसारी इंटरनेशनल हेयर मेकअप आर्टिस्ट, जूड़े बनाने की नई नई टेक्निकी, किस तरीके से टेक्निक की इच्छा है सीखने की? हम लोग यहाँ पे मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, हेयर स्टाइल सीखना है मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सलीम अंसारी सर यहाँ पे आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक देने वाले हैं। अब देखते हैं 29 तारीख को कितनी अच्छी हमें जानकारी मिलने वाली है। कितनी अच्छी जानकारी बताइए। जैसे सलीम अंसारी सर आ रहे हैं तो हम लोग मेकअप तो करते हैं पर क्विक हेयर स्टाइल सोसाइटी की जैसे चाहिए वो चीजें नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सर हमें ऐसी टेक्निक बताएंगे जो कि हम फास्ट कर सके, क्योंकि जब टाइम होता है ब्राइडल का तो टाइम हेयर स्टाइल पे भी इतना नहीं होता है देने के लिए, मेकअप के साथ साथ दोनों वर्क को करते करते हमारा बहुत टाइम हो जाता है, तो सर हमें जो सिखाएंगे वो क्विक और अच्छी क्विक सिखाएंगे। हमारे पास वक्त नहीं होता, अगर हमें जल्दी से बेहतर मेकअप सीखने की, हेयर की सीखने की वो हो जाए तो हम सीख सकते हैं। किस तरीके का आयोजन है? हमें आज तक रीवा शहर में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, ज्यादातर हमारे जो भी सेमिनार्स हुए हैं सब स्किन को लेकर मेकअप को लेकर हुए हैं, और मेकअप में मेरे ख्याल से काफी ब्यूटिशियन काफी एक्सपर्ट हैं और मेकअप का बहुत अच्छा हैंड्स रीवा में तैयार हो गए, काफी मेकअप आर्टिस्ट तैयार हो गए,
तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने देखा कि कुछ कमी हमारे शहर में है, और वो कमी है, सबसे बड़ी कमी है हेयर की। तो हेयर स्टाइल आजकल एडवांस हेयर स्टाइल चल रही है, और उस एडवांस हेयर स्टाइल एडवांस टेक्निक की कमी हमारे शहर में है। तो हमने एडवांस हेयर टेक्निक हमें सिखाना है, सीधी सी बात है। मेकअप तो हमारे यहाँ की ब्यूटिशियन किसी भी शहर से बेहतर कर लेती है, कमी थोड़ी बहुत हमें समझ में आई वो थी हेयर की। अगर हम हेयर की बारीकियों से उनको अवगत करा देंगे, नई नई टेक्निक सिखा देंगे, जिस तरीके की हेयर स्टाइल अभी रीवा में काफी कम लोग बना पाते हैं, अब हम ये चाहते हैं, हमारा एसोसिएशन, हमारा ग्रुप ये चाहता है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्रुप साफ तौर से चाहता है कि हमारे यहाँ की ब्यूटिशियन हिंदुस्तान की किसी भी शहर से बेहतर काम करके दिखाए, उसी के लिए हमारा ये प्रयास है। अब देखना दिलचस्प होगा 29 तारीख को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर, या यू कहा जाए रीवा शहर की ब्यूटी एसोसिएशन किस तरीके से आयोजन करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारी नजर 29 तारीख पर भी रहेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।